ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। उज्जैन में श्रावण के पहले सोमवार पर भगवान महाकालेश्वर ने मन महेश के स्वरूप में नगर भ्रमण किया। सवारी के निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर के सभा मंडप में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग और उज्जैन के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन अर्चन कर आरती में सम्मिलित हुए। पूजन अर्चन शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। सर्वप्रथम भगवान श्री महाकालेश्वर का षोडशोपचार से पूजन अर्चन किया गया। इसके पश्चात भगवान की आरती की गई। इस अवसर पर विधायक मुरली मोरवाल, विधायक महेश परमार, कलेक्टर शशांक मिश्र, श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर, प्रशासक अवधेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक मौजूद थे। भगवान मन महेश पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने और भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। पालकी जैसे ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा पालकी में सवार श्री मन महेश को सलामी दी गई। श्रावण के पहले सोमवार पर भगवान की सवारी के दौरान पूरी उज्जैन नगरी शिवमय हो गई। श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी में हजारों भक्त झांझ मंजीरे, डमरू, ढोल आदि वाद्य बजाते हुए महाकाल की आराधना करते हुए पालकी के साथ चल रहे थे। भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण की पहली सवारी महाकाल मंदिर से प्रस्थान कर जैसे ही रामघाट पहुंची, चारों ओर श्रद्धा और उल्लास का वातावरण छा गया। श्रावण में अपने सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए स्वयं प्रकृति भी भगवान श्री महाकाल का स्वागत करने के लिए आतुर थी। भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन और जल अभिषेक पुजारी आशीष गुरु द्वारा किया गया। भगवान महाकालेश्वर मन महेश के स्वरूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए शिप्रा तट पर पहुँचे थे। इसके पश्चात शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक किया गया। पूजन के पश्चात पुरोहितों द्वारा रुद्रपाठ किया गया। श्री महाकालेश्वर भगवान की दूसरी सवारी 29 जुलाई सोमवार को निकलेगी, जिसमें पालकी में चंद्र मोलेश्वर व हाथी पर मन महेश विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेगी। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। व्यवस्थाएँ इस प्रकार रहती है, इसमें जो श्रद्धालु हैं तो दर्शन जो है ठीक तरह से कर पाए, आगे सुरक्षा व्यवस्था भी साथ ही ऐसी बनी रहे कि कहीं से कोई श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं और कोई दुर्घटना ना हो, उसका ध्यान रखा जाता है। बाकी इस वर्ष जो है प्रथम ये सवारी है, इसमें काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आए। सर कितना बल लगभग लगता है पुलिस का इस दौरान? इस दौरान लगभग 800 पुलिस के जो जवान हैं लगते हैं, साथ ही हमारी जो ग्राम और नगर सुरक्षा समिति है, वॉलंटियर्स हैं, इनके भी काफ़ी लोग हमारे मदद करते हैं जो पालकी को रूट पे ले जाने में, दर्शन करवाने में सभी मदद करते हैं। सर पिछली बार की अगर बात की जाए तुलना में तो इस बार जो भी हमारे सवारी होती है उससे जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स होते हैं उसमें हम और बेहतर व्यवस्था करते हैं, ये प्रयास रहता है। इस बार भी जो पिछली सवारियों के हमारे लर्निंग के पॉइंट्स थे उस पर हमने वर्क ऑन किया है और रामघाट पे आप जैसे देख रहे हैं सेपरेट कॉरिडोर बनाया है जिससे पालकी घाट पे पहुंच पाए, जहाँ पूजा हुई है ताकि श्रद्धालु आसानी से दर्शन भी कर पाए, साथ ही पूजा भी आसानी हो पाए। एक लास्ट भी करेंगे सबके काम, भूत भवन बाबा भोलेनाथ कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली, कालिदास की काव्य रचना स्थली से आज श्रावण मास की प्रथम सवारी का यहाँ पर बाबा महाकाल पूरे शहर में नगर भ्रमण करेंगे, आशीष प्रदान करेंगे अपने भक्तों को, उनकी चिंताओं को दूर करेंगे और हमारा देश समृद्धि के पथ पर चले, अच्छी वर्षा की कामना को लेकर वयम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मैं स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी खिलखिला के और स्वामी दिल मिला के पूरी निष्ठा भावना के साथ हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन करते हुए जय